ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पिकअप में 25 से 30 लोगों की मौजूदगी की खबर भी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और सभी लोग कुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कलवधा से ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पंडरिया विकासखंड के कुकदूर का ये मामला है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही आपको बता दें कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस मामले पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां कलवधा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पिकअप पलटने से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कलवधा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे बैगा आदिवासी और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बहापानी के पास ये पिकअप खाई में गिर गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ कवर्धा से संवाददाता प्रहलाद साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ये जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, भी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है पांडात्रे पंडरिया थाना अंतर्गत का है। आरक्षक जो है ड्यूटी से तैनात अपने घर को वापसी जा रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। तो बताया गया कि ट्रक जो है वहां पर खड़ा हुआ था, उसी जाकर टकरा गया। तो आपको बता दूं कि ये उसमें दो बार हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही जो है 112 की अंतर्गत टकरा गया, तो आरक्षक की एक वहीं पर ही मौत हो गई थी और दूसरी जो है SI है और जो एक आरक्षक है वो घायल हो गया था। वहीं प्रहलाद, अगर बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े नेता भी इस हादसे पर दुख जता रहे हैं, तो पीड़ितों के लिए क्या ऐलान किया गया है, क्या लगता है आगे इस मामले पर क्या कार्यवाही हो सकती है? देखिए, कार्यवाही करने की तो बात चल रही है, छानबीन कर रही पुलिस, और आगे देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कार्यवाही। फिलहाल तो अभी बस मामले की छानबीन हो रही है। ठीक है प्रहलाद साहू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि कवर्धा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पिकअप पलटने से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही बता दें कि पिकअप में 25 से 30 लोगों की मौजूदगी की खबर सामने आई है। वहीं सभी लोग कुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है।